हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैपिटल्स। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं हूं आपके बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है सर, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? अच्छा, एक मैं आपको बात बताता हूँ, सुनो। आपको अपनी कोई बात बतानी हो, ठीक है, आप कैसे बताएंगे? सर मुंह है हमारे पास बताने के लिए, उसमें जबान है, हाँ ठीक है, ओके। दूसरा आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, हाँ ठीक है, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो आप ऐसे करके अपने आप अपनी बात को बता देंगे, ठीक है। मगर जो डीएनए है, ठीक है भाई, डीएनए हमको एक्सप्रेस कर रहा है, ये दुनिया डीएनए से चल रही है, ठीक है, सबके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। डीएनए इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, पूरा इतना बड़ा जानवर हाथी खड़ा कर दिया, ठीक है, छोटे से छोटा चूहा भी बना दिया, ठीक है। तो डीएनए अपनी बात भी तो बता रहा होगा ना कि यार देखो, इसको ना ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है, ये करना है, ठीक है। किसी की आंखें ब्लू करनी है, किसी की आंखें ब्राउन करनी है, ब्लैक करनी है, बाल कर्ली कर रहे हैं, बाल स्ट्रेट करने हैं, ठीक है, कलर भी ऐसा रखना है, व्हाइटिश रखना है या गोरा रखना है, जो भी, ठीक है। डीएनए अपनी बात बता रहा है, तो डीएनए बता कैसे रहा है? क्यूरियोसिटी तो आनी चाहिए ना कि डीएनए अपनी बात बता कैसे रहा है। अब देखो, डीएनए को बात बताने के लिए ना दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, डीएनए पास दो प्रोसेस है जिनसे गुजरना पड़ता है, और डीएनए अपनी बात बता देता है। कैसे बताएगा? देखो, डीएनए सबसे पहले, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ब्लैंक स्लाइड लेकर आता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूँ, ये ट्रांसक्रिप्शन की जो स्लाइड्स हैं, अगेन एनसीईआरटी से ही है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा उसी से बनेगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं लिखवा देता हूँ वो लिख लेना, उसको समझ लेना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ट्रांसक्रिप्शन जो है ये दो पार्ट्स में होगा, क्योंकि आज हम प्रोकैरियोट्स का पढ़ेंगे, देन हम यूकैरियोट्स का पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ब्लैंक स्लाइड लेके आता हूँ। देखो क्या होता है कि ना, आपने उसका नाम सुना है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। क्या नाम है? सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सर क्या मतलब हुआ? देखो क्या होता, मैं अभी बताता हूं, देखो इसको ऊपर पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कहता क्या है? देखो ये कहता है कि ना, एक सेकंड, बस कलर चेंज कर दूं, हाँ देखो, ये कहता है कि मान लो कोई डीएनए, क्या है? डीएनए, ठीक है, और उसके बाद क्या है? आरएनए, देन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, डीएनए से डीएनए का बनना क्या करना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। समझ आ गया? और ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, ये तो मैंने कल ही पढ़ाया था, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्यों 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 जरूरत है इसकी भाई? बहुत जरूरत है, सेल से सेल बनेंगे, डीएनए दोबारा बनाना है, तो रेप्लिकेशन तो जरूरत है ना, दुनिया चलाने के लिए रेप्लिकेशन बहुत जरूरत है। हो गया खत्म बात, ठीक है। अब डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है सर, इसकी क्या जरूरत है? देखो, डीएनए से अगर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो डीएनए अपनी बात कह ही नहीं पाएगा, ठीक है। कुछ भी होता है, प्रोटीन ही बनता है ना उसका, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को हम बोले क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोला इसको हमने, क्या बोला इसको? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब जब ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया, यही हमको पढ़ना भी है, अब अंदाजा लग गया। और अगर जब हमारा आरएनए बन के आ जाएगा, एक्चुअली एमआरएनए बन के आ जाएगा सर, एमआरएनए मतलब देखो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो अपने घर में बैठा पड़ा है, ठीक है। घर में बैठा है मतलब भाई बॉस है ना, वो पूरे सेल को काम करा रहा है, ठीक है, बॉस है घर का, तो घर में बैठा रहेगा, स्पेशल चैम्बर है उसके लिए, ठीक है। तो वो जो स्पेशल चैम्बर है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। वो अपने घर में बैठा पड़ा है, वो कहता है अच्छा इधर आओ, वो क्या बोलते हैं, वो बनवाएगा, एमआरएनए बनवाएगा, एमआरएनए बनवाएगा, वो क्या मतलब, उसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसी चिट्ठी बनाएगा, ठीक है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। होता नहीं है, हम जैसे राशन की दुकान पे जाते हैं तो घर में से पहले लिस्ट बनवा के ले जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए कहेगा कि अच्छा सुनो यार, ऐसा ऐसा काम कराना है तो तुम ना ये लेके आ जाओ, ठीक है। तो एक एमआरएनए बनवाएगा, ठीक है, एमआरएनए बनवाएगा, उसको उसने बोला ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए ना उस न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा भाई, वो जाएगा तो मार्केट में ना काम करवाने के लिए अपना, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को लेकर के आकर के लेकर के आएगा, ठीक है, और बाहर निकलेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तो फिर किसको बुलाएगा? जो ये काम करके देते हैं, ठीक है, ये जो काम करके देते हैं, कौन करके देते हैं? टीआरएनए वगैरह करके देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कराएगा?
जाके ऐसे समझो कि जाके कंपनी को बताएगा कि सुनो ये डीएनए साहब ने कहा है कि ऐसा ऐसा करके देना है, ठीक है, और हमको प्रोटीन बना के दो, ठीक है, बन जाएगा प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन बनेगा, इस प्रोसेस को, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। और हमारा प्रोटीन बन गया, डीएनए को जो बात कहनी थी वो हो गई, ठीक है। तो इसी को हमने बोला सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अभी हमें सिर्फ इतना जानना था, इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज होता है, उसको हम टेमिनिज्म भी बोलते हैं, वो सब मैं जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी हमारे काम का सिर्फ इतना ही था, ठीक है, इसको एक बार देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या होता है, जब आपको एक आइडिया लग गया कि सीन चल क्या रहा है, तो आप समझ गए ना कि सीन चल क्या रहा है। अब सीन ऐसे कुछ ऐसे है, मेरी बात सुनो, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन था, उसको किसने किया था, डीएनए पॉलीमरेज ने किया था, दो डीएनए पॉलीमरेज थे, डीएनए पॉलीमरेज वन था, डीएनए पॉलीमरेज थ्री था, बताया था, सब कुछ बताया था, ठीक है। एडिशनल एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज वन के पास थी, ये भी बताया था, ठीक है, क्या एडिशनल एक्टिविटी, वो भी बताया था, प्राइमर घटाया 5' to 3', ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात ये, जो अब आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा ना भाई, डीएनए को बनाने डीएनए पॉलीमरेज आया था, तो आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आएगा, और वो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किस पे डिपेंड है नॉलेज के लिए, डीएनए के ऊपर, भाई डीएनए से ही तो पूछेगा ना करना क्या है, तो उसका पूरा नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या नाम होगा उसका, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, अरे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एक आर बनाते हैं, एक पी बनाते हैं नीचे, ये ऐसे, अरे भाई आरएनए पॉलीमरेज हो गया, इतनी बात याद रखो, हो गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो क्या होता है, ये जो होता है ना, इसकी भी कुछ शर्तें हैं, सर ये शर्तें बहुत है, हाँ इसकी भी कुछ शर्तें हैं, पर इसकी बहुत ज्यादा शर्तें नहीं है। ये कहता है कि भाई देखो यार मेरी बात सुनो, मेरी ना एक बात सुनो, कहते क्या, मैं जो काम करूंगा ना, क्या करूंगा, मैं रीड तो करूंगा, रीड डीएनए फ्रॉम 3' to 5', और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रीड जैसा वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, बेसिक से ऊपर की तरफ जाना है, 3 से 5 की तरफ जाना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो रीड वर्ड आपको दिख गया, तो आपने क्या करना है, 3 से 5, रीड कहां से करता है आरएनए पॉलीमरेज, 3' to 5', ठीक है, और पॉलीमराइज कैसे करेगा, पॉलीमराइज आर एन ए कितना, 5' to 3', समझे कि नहीं समझे, इतनी बात समझ आ गई, आ गई कि नहीं, आ गई, आ गई, हाँ आ गई। अब देखो क्या होता है, इसके बाद ना नेक्स्ट चलते हैं। अब मेरी कुछ बात को ना बहुत ध्यान से सुनना, हमारे पास जो पहले डीएनए था ना, ऐसे समझो स्केल लिख आते हैं, ठीक है, स्केल बड़ा नहीं हो सकता क्या, चलो कोई बात नहीं, हम इस काम चला लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ठीक है, हमारे पास ऐसे करके जब डीएनए था, ठीक है, ऐसे समझो कि 3' है, ये 5' है, ये 5' है, ये 3' है, एंटी पैरेलल होता है, ये बात तो हम सब जानते हैं, ये बात तो अब बाहर कोई जाता है, बच्चा बच्चा जानता है कि डीएनए एंटी पैरेलल होता है। अब देखो जब डीएनए था, हमने डीएनए पॉलीमरेज ने काम किया था, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए थे और दोनों के दोनों टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहे थे, बोथ वॉज बिहेविंग एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, मतलब कि दोनों के दोनों डीएनए बनाने में एकदम जुटे पड़े थे, ये कह रहा था कि मैं भी डीएनए बनाऊंगा, ये कह रहा था मैं भी डीएनए बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो रहा था, अरे भाई काम बेकार हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या होता है, पर एमआरएनए बनाने में एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूं, ऐसे समझो कि ना एमआरएनए जो है ना, देखो मैं बताता हूं, एमआरएनए ये एमआरएनए बना, उससे पहले लिख रहा हूं, ए टी जी सी ए टी जी, ऐसे समझ लो, ठीक है, और फिर इसे कॉम्प्लीमेंट में यहां पे क्या होगा, ऐसे करो,
अरे भाई, इसके बदले में क्या होगा यहाँ पे? TACGTAC, इतनी बात समझ में आ गई? ये इसके सामने कॉम्प्लीमेंट में था और ऐसे ऐसे करके बना पड़ा था। ठीक है, ऐसे मानो कि एमआरएनए भाई साहब आए, ठीक है, एमआरएनए भाई साहब आए और सॉरी आरएनए पॉलीमरेज भाई साहब आए, उन्होंने कहा आज तो ना दोनों का बनाऊंगा। ठीक है, एमआरएनए, फॉर सपोज कि दोनों के दोनों बिहेव करने लग जाएं टेम्पलेट स्टैंड की तरह, कि यहां भी एमआरएनए बन रहा है और यहां भी एमआरएनए बन रहा है, तो क्या होगा? चलो सर बनाते हैं, क्या होगा? ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैंने यहां बनाना शुरू किया। अच्छा एक बात याद रखना, आरएनए के अंदर हमारे पास थायमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है, बात पता है ना? तो अब देखो एक ही जगह क्या होता है, टी आना चाहिए था, तो यहां क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, भाई टी नहीं होता है ना, टी की जगह ए फिर सी फिर जी फिर यू फिर क्या ए फिर सी, इतनी समझ आ गई? यहां पे इस भाई साहब ने ये बना दिया, इसको बोला एक एमआरएनए, इसको बोला नंबर वन एमआरएनए। मैं दूसरे एमआरएनए को यहां बनाता हूं, यहां पे क्या आएगा? ए, ठीक है, फिर यू फिर जी फिर सी फिर ए फिर यू फिर सी, इसको हमने बोला दूसरे नंबर का एमआरएनए, इसको हमने क्या बोला? दूसरे नंबर का एमआरएनए। एक बार देख लो, देख लिया? अब ना बहुत ध्यान से देखना, सुनो इस वाले भाई साहब को लेकर क्या, अरे ये तो इन वाले भाई साहब को लेकर क्या आते हैं, चलो आ जाओ ये वाले भाई साहब को लेकर क्या आओ, और इधर देखो ध्यान से देखना, ये क्या हो गया? अब देखना ए की जगह यू, रुको रुको, ए की जगह यू, यू की जगह ए और जी की जगह सी और फिर सी फिर ए यू, यार ये तो जुड़ गए है ना, ये वाले जो भाई साहब हैं ये तो एक ही एमआरएनए बन गया ना। ठीक है, बना के नहीं बना मुझे बताइए, हुआ के नहीं हुआ पहले मुझे बताओ। अच्छा मैंने यहां थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इसको बनाओ जी, सारे के सारे जुड़ गए। देखो इसका मतलब ये, देखो ये जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? ठीक है, ए के नीचे यू, यू के एफ और ये जी के सी। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा एमआरएनए है, एमआरएनए, ये तो हमारा डबल स्टैंड हो गया। एमआरएनए हमारा कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एमआरएनए डबल स्टैंड हो गया और वो डबल स्टैंड होकर ही बाहर आया, तो क्या वो अपनी इंफॉर्मेशन दे पाएगा किसी को? वो तो एक बंद किताब हो गई ना, वो क्या हो गई? बंद किताब हो गई। ठीक है, हमको तो सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड आएगा, इससे चीजें जुड़ती जाएंगी, टीआरएनए जुड़ता जाएगा और प्रोटीन बनता रहेगा, प्रोटीन की चेन बनती रहेगी। तो इसका मतलब यही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके अंदर, उसके खिलाफ जा रहा है। तो इसलिए एमआरएनए कभी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उसको रीड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है। इसीलिए अब मुझे क्या, आप खुद बताओ कि ये दोनों के दोनों स्टैंड बिहेव करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए ना, और एमआरएनए नहीं हो सकता ऐसे, डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, वरना डाइसर बाहर बैठा है, डाइसर काट देगा। ठीक है सर, आप बोलेंगे सर ये कोई बात थोड़ी, मान लो अगर मान लो ये खुले, ये तो चांस की बात है ना कि वो भी निकला और दोनों जुड़ गए, चांस की बात है जुड़ गए तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। मान लो कि वो डबल स्टैंडर्ड नहीं हो पाए तो, है ना, मान लो डबल स्टैंडर्ड नहीं हो पाए तो, हमने कहा हाँ ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि ये डबल स्टैंडर्ड ना हो, क्या पता वो जुड़े ही ना, वो इस वाले पोर से बाहर निकल गया, वो उस वाले पोर से बाहर निकल गया, और कैसे भी करके बाय एनी प्रोबेबिलिटी वो नहीं जुड़े, अब तो सिंगल स्टैंडर्ड है, अब तो चलना चाहिए। पर ना अभी एक प्रॉब्लम फंस गई, देखो डीएनए ये होंगे तो एक ही जीन के ना, ऐसे मान लो ये होगा तो एक ही जीन ना, क्या ये होगा तो एक जीन ना। अब मान लो कि ना ये भाई साहब आए, ये कौन है तो ये एक ही जीन की बात है। ठीक है, ये भाई साहब आए, ये आकर के कहते हैं कि मुझे P1 प्रोटीन चाहिए, क्योंकि ये तो अलग दिख रहा है। ठीक है, और ये भाई साहब आके कहते हैं हमको P2 प्रोटीन चाहिए, है कि नहीं? ये कहता है P1 प्रोटीन चाहिए, ये कहता है P2 प्रोटीन चाहिए। ठीक है, जबकि आए एक ही जीन से, इसका मतलब ये जीन दो बातें कह रहा है। ठीक है, ऐसे समझ लो कि क्या बोलते हैं, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, हमारा एग्जाम है और आप कहते हो कि ये वाला चैप्टर भाई आएगा कि नहीं आएगा, तो वेद भाई चैप्टर आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहता हूं हाँ आएगा। ठीक है, और फिर मैं क्या बोलते हैं बाद में फिर कह दूं कि नहीं यार ये चैप्टर तो नहीं आएगा, और फिर आप पेपर देने जाने वाले हो, फिर मैं कह दूं कि यार आएगा। ठीक है, और फिर पलट जाओ नहीं आएगा, और अगेन मैं दो तीन बार ऐसे कर दूं,
तो आप क्या कहोगे, यार तू दोगला आदमी है, ठीक है तेरी बात तो सुननी नहीं है, ऐसे करके तो बर्बाद कर देगा मेरे को, ठीक है, और मेरी बात नहीं मानी जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ये दोगला हो गया तो देखो, मैं दोगला होगा काम चल जाएगा, अगले सब मेरे से नहीं पूछेगा, ये दोगला होगा तो ऑर्गेनिज्म ही उड़ जाएगा, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बनने लग जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्या दिक्कत हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि खास हम खास नेचर ने ध्यान रखा है कि ये हमेशा हमेशा एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होगा। अब इतनी बात समझ में आ गई क्यों सिंगल स्टैंडर्ड होगा, तो इसका मतलब सर एक बात तो पक्की हो गई, क्या कि ये जो बंदा है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो डीएनए, इसमें से एक ही कोई स्टैंड ऐसा होगा जो एज अ टेम्पलेट स्टैंड बिहेव करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, अरे भाई मिट जा यार, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक ही बंदा, एक ही स्टैंड ऐसा होगा जो बिहेव करेगा एज अ टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। अब सर वो कौन करेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल बताते हैं, वो कौन करेगा, अरे बाप रे, ए था जी का सी, हाँ ठीक है, देखो अब वो कौन बिहेव करेगा, वो डिसाइड करता कौन, वो आरएनए पॉलीमरेज डिसाइड करेगा, भाई मेरी मर्जी, अब तो आरएनए पॉलीमरेज की मर्जी, तो आरएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए था रीड करने के लिए, 3 से 5, तो ये रहा 3 से 5, ये कौन है, 3 से 5 है, अब देखो ये 3 से 5 है तो ये बिहेव करके क्या करेगा, बिहेव्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये कैसे बिहेव करेगा, टेम्पलेट स्टैंड की तरह बिहेव करेगा, और ये बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा अब एक और बात समझो, ठीक है, और किस तरह से पूछा जा सकता है, ऐसे समझो ये हमको क्या बना करके देगा, बात को ध्यान से सुनना, ये हमको क्या बना देगा, यू, ठीक है, फिर ये ए, फिर ये सी जी, फिर यू, फिर ए, फिर सी, इतनी बात, क्या हुआ बस टी की जगह यू आ गया ना, है ना। और यहां देखो अगर 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 मान लो टी की जगह यू हटा दो, ठीक है, अब इसको दो सुनो, ऐसा होता नहीं है पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, पहले बता रहा हूं, ठीक है, मान लो कि अगर टी होता इधर, ठीक है भाई, है तो फाइव में यहां पे टी आना, मतलब आरएनए तो यहां टी आना, आरएनए तो यहां पे यू आया, वरना इस तरह से टी तो है, देखो ए सी जी, फिर अगेन टी की जगह यू, फिर ए, फिर सी, समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ये हुआ टी 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 की जगह क्या है, बस यू है, क्योंकि आरएनए में टी होता ही नहीं है, ठीक है, फिर क्या ए, फिर सी, फिर जी, फिर टी की जगह यू, फिर ए, फिर सी। एक बात देखो, इसको जो एमआरएनए बनवाना था, ठीक है, क्या वही बात यहां पे नहीं लिखी पड़ी है, इसका जो सामने वाला है, जो सामने वाला है, ठीक है, इतिहास समझ में आ गई। आप देखो कमाल की बात जो मैं बताने वाला हूं, जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, क्या ये जो कोड है, ये सीक्रेट कोड है, क्या सीक्रेट कोड, ठीक है, ये वाला जो सीक्रेट कोड है, जो एमआरएनए बनने वाला है, जो फ्यूचर में एमआरएनए बनने वाला है, ये वाला कोड यहां पे नहीं लिखा पड़ा है, लिखा पड़ा है कि नहीं लिखा है, ये सीक्रेट कोड नहीं है, जो बनने वाला है ये इसका कोड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड, इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड भाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये कोडिंग है तो वो क्या बचा, नॉन कोडिंग, तो ये कौन सा है, कलर चेंज करता हूं, देखो ये वाले जो भाई साहब है ये कौन है, ये है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, इतनी बात समझ आ गई, ये कौन है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, याद रखना कोडिंग स्टैंड का मतलब वो सीक्रेट कोड था, इसलिए मैंने आगे सीक्रेट भी लगाया, ठीक है, ऐसा मत सोच लेना वो कोड कर रहा है तो कोडिंग स्टैंड हो गया, ये वाली गलती मत कर देना, पहले बता रहा हूं ये कोडिंग स्टैंड है, इसलिए क्योंकि इसके पास पहले से वो सीक्रेट कोड था जो आगे बनने वाला है, इतनी बात समझ में आ गई, तो पूछ सकता है कि कौन बिहेव करेगा कोडिंग स्टैंड की तरह, कौन करेगा नॉन कोडिंग स्टैंड की तरह, इतनी बात समझ में आ गई, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आप देखो एक बात तो हमारी ये पूरी होगी। अच्छा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है, बनाते हैं जरा, इसमें लाइन है क्या, लाइन तो नहीं है, आसपास कुछ मिले, एक सेकंड मैं ना लाइन ढूंढता हूं, है ना, क्या पता मुझे मिल जाए लाइन,
नहीं 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 भाई, तू जा जाओ भाई। अरे नहीं चाहिए भाई। लाइन मुझे ना अभी ना मिल नहीं रही, ठीक है अभी ना ऐसे समझ लेते हैं। चलो कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो तो क्या होता है कि ना, एक होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या होता है ट्रांस, अरे भाई ट्रांस क्रिप्शनल यूनिट, ठीक है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। इसके पास क्या क्या होता है वो सुनो। पहली बात, इसके पास होगा एक प्रमोटर रीजन। क्या होगा? प्रमोटर, प्रमोटर बॉक्स होता है ऐसे समझ, प्रमोटर होगा। फिर क्या होगा? फिर आएगा स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, समझ आ गया। फिर क्या होगा? टर्मिनेटर बॉक्स, टर्मिनेटर बॉक्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, सुनो क्या होता है कि इतना बड़ा जो डीएनए होता है ना, वो पूरा का पूरा कोड नहीं कर रहा होता प्रोटीन के लिए। पहली बात तो ये बात याद रखना, स्पेसिफिक जगह के जीन ही कोड कर रहे होते हैं, ठीक है। मान लो इतना बड़ा डीएनए है, तो ऐसा नहीं कि ये भी कोड करेगा, ये भी 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 करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ही जगह जाकर के कोड करेंगी, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं जीन। स्ट्रक्चर जीन होते हैं ना छोटे छोटे, लाइकोपेरोन में पड़ा हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ना, बात को ध्यान से सुनना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो कई सारे जीन मिलकर के ना उसमें एक एमआरएनए बन के आता है। क्या समझे? कई सारे जीन मिलकर के एक एमआरएनए बनाते हैं, और वो मतलब वो जो एमआरएनए होता है वो कई सारे के लिए ना इंफॉर्मेशन लेके रखता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। जैसे बताता हूँ, जैसे 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 सर, जैसे मैं बता, ऐसे समझिए कि ऐसे करके तीन जीन है, क्या तीन जीन है ना, लेकोपेरोन में होता ही, जैसे जेड है, वाई है, ए है, ये एक बना रहा है एंजाइम, ये एक बना रहा है, ये एक बना रहा है, ये मिलकर के एक एमआरएनए देंगे। क्या देंगे? एक एमआरएनए देंगे, ठीक है, जिस पे इंफॉर्मेशन लगी पड़ी होगी। देखो रुको, ये ग्रीन से बनाना चाहिए था मुझे। देखो यहां होगा स्टार्ट कोडोन, ठीक है, फिर होगा स्टॉप कोडोन, ठीक है, फिर इसके बगल में होगा स्टार्ट कोडोन, ठीक है, फिर इसके बगल में होगा इधर आगे स्टॉप कोडोन, ठीक है, और फिर इसके बगल में होगा कहीं, एक दो तीन, चलो तीन में बात बन गई, ठीक है। अब सुनो क्या होता है, सुनना बात को ध्यान से। ये जेड वाले के लिए इंफॉर्मेशन यहां पर है, ठीक है, क्या बनाता है वो सब चीजें बाद की बात है, ठीक है, ये लाइकोपेरोन में पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है कि ये एक एमआरएनए भरा है, ये एक एमआरएनए ना है ना, एक एमआरएनए, ये एक एमआरएनए भरा आया, पर इसके पास तीन तीन जीन की इंफॉर्मेशन है, किसकी? जेड की भी, वाई की भी, ए की भी, जेड की भी, वाई की भी, ए की भी, तीन तीन की इंफॉर्मेशन है। कह रहा है कि मैं अकेला हूं भाई, मैं अकेला तुमको सारी बातें बता दूंगा कि जेड क्या कह रहा है, वाई क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि हमको बीटा गैलेक्टोसाइड बना करके दे दो, ठीक है, एक हमको कह रहा है परमेज बना करके दे दो, एक कह रहा है ट्रांसएसिटाइलेज बना के दे दो, ठीक है। तो अब क्या बात हुई, ये जेड की भी दे रहा है, वाई की भी दे रहा है, ए की भी दे रहा है, इसके पास बहुत सारों की इंफॉर्मेशन है, इसके लिए इसे बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनो सिस्ट्रोनिक, समझा? क्या नाम है? मोनोसिस्ट्रोनिक। क्या बोला? मोनोसिस्ट्रोनिक जीन। ये किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स याद रखना, प्रोकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हाँ ठीक है। तो सर पॉलीसिस्ट्रोनिक किसमें होता है? पॉलीसिस्टोनिक की प्रॉपर्टी जो है ये यूकेरियोट्स में मिली, ठीक है। यूकेरियोट्स नेचर में आगे बढ़े, नेचर ने कहा, देखो यार सिंपल सी बात है, जब इंसान अपने स्ट्रगलिंग फेज में होता है, ठीक है, तो क्या करता है, मान लो फैमिली के अंदर क्या होगा, एक ही रूम में सब रहेंगे, सिंपल सी बात है ना, एक ही रूम में सब रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो होंगे, जैसे भी एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो नेचर ने पहले एडजस्ट किया,
मोनोसिस्टोनिक बना के दिया यार, सारी इन्फॉर्मेशन है एक ही मेरे को, बात चल गई। फिर जब वो क्या हुआ, आगे बढ़े हम, ठीक है अमीर हो गए, तो क्या किया, हर किसी का अपना अपना रूम है, तो इसी तरह फिर क्या हुआ पॉलीसिस्टोनिक, अब एक जीन एक ही, हर एक जीन अपने लिए कैमरा ने बना रहा है कि भाई देखो ये रहा, तो इसको हमने क्या बोला पॉलीसिस्टोनिक। इतनी समझ में आ गई, आप टर्म समझ गए। अब देखो क्या होता है इसके बाद, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी मैं आपको बता चुका हूं, ये ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रमोटर बॉक्स होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, टर्मिनेटर होगा। अब देखो क्या होता है कि ना, जो इंपॉर्टेंट बात है, रूलर थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, बड़ा नहीं हो सकता क्या ये, हाँ हो गया हो गया हो गया, इतनी औकात थी बस, ठीक है चलो बनाते हैं। अब देखो क्या हुआ, ऐसे करके ना हो गया। अब देखो क्या बनती है यार, रुको मैं बना रहा हूँ, बस हो गया ना, पहले पहले तो हो रहा था आराम से, हाँ अब वही ना बात। देखो कहाँ गया काटने का सिस्टम, चलो जाओ। अब देखो क्या होता है कि ना, रुको जरा मैं लेकर के आता हूँ, कहाँ गया शिप्स, वेयर इज डिप, ठीक है समझ आ रहा है। अब देखो क्या होता है, ये हमारे पास प्रमोटर, ठीक है ये हमारे पास टर्मिनेटर, ठीक है और बीच में हमारे पास क्या है स्ट्रक्चरल जीन, क्या बीच में हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। और क्या होता है कि जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो 5' to 3' होगा, ठीक है और ये क्या है 3' to 5' होगा। अभी ऐसे समझो, अब देखो क्या होता है कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, क्या है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, तीनों चीजें इसके अंदर आ गई, ठीक है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हो गई, इतनी समझ में आ गई। अब क्या होता है कि ना, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज कहेगा कि मुझे जुड़ना है, ठीक है और मुझे आकर के क्या करना है पॉलीमराइजेशन करना है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम की बात यह है कि ना ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है यहां पे आकर के चीजों को थोड़ा खोलना पड़ेगा, ठीक है और ऊपर से एंट्री पॉइंट से ये होता है, किसी के घर में घुसोगे, ये घर है ऐसे समझो ये घर है, ठीक है ये प्रमोटर रीजन या प्रमोटर बॉक्स क्या है एक घर है, इस घर में घुसना है तो घुसने का एक एंट्री पॉइंट तो होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा ठीक है। तो वो जो एंट्री पॉइंट है ना उसके बारे में पढ़ना है, दो तरह के एंट्री पॉइंट होते हैं, ये एनसीईआरटी मेरी एनसीईआरटी से बाहर है, ठीक है अभी पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि दो तरह के बॉक्स होते हैं हमारे पास, दो तरह के बॉक्स होते हैं, दो तरह के ऐसे समझ लो दरवाजे, सबसे सिंपल समझ लो दो तरह के दरवाजे, ठीक है क्या है क्यों है वो बात की बात है, दो तरह के दरवाजे हैं इस घर में घुसने के लिए, ठीक है क्या ना क्या दरवाजे, और ये दो दरवाजे प्रोकैरियोट्स बॉक्स में, प्रोकैरियोट्स के अंदर है, ठीक है। पहला जो घर है, सुनना बात को ध्यान से, जो पहला घर है, पहला भी छोड़ो दो तरह के घर है उनको बता देता हूँ क्या क्या है, आप बस नाम भी याद रख लोगे ना काम मस्त चल जाएगा, ठीक है क्या है प्रिबनो बॉक्स, क्या नाम है उसका प्रिब
प्रिम्नो बॉक्स, ठीक है प्रिम्नो बॉक्स है। और इसका सीक्वेंस क्या है? इसका सीक्वेंस है टी ए टी ए ए टी, ठीक है। सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, कैसे जाना पहचाना लग रहा है? सर ध्यान से देखो ये एटी रिच एरिया नहीं है? हाँ याद आया, हाँ क्योंकि वहां से तोड़ के घुसा जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज घुसेगा यहां से तोड़ के घुसेगा, ये एटी रिच एरिया है। इतना समझ में आई? टी ए टी ए ए टी, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिम्नो बॉक्स। आप खाली नाम याद रख लो वही बहुत है, ठीक है। इस सीक्वेंस को मत याद रखना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सर आपने क्यों लिखवाया? बता दिया जिसको शौक वो लिख लेना, ठीक है। दूसरा या और कौन है हमारे पास? और हमारे पास क्या होता है? एक होता है हेक्सामेरिक सीक्वेंस, हेक्सामेरिक सीक्वेंस होता है टी टी जी ए सी ए, ठीक है टी टी जी ए सी ए, इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। आप इसको याद कर लेना बहुत है, ठीक है इसको याद रख लेना बहुत है। अब मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात। अभी इस पे मैं घूम के आता हूं, अभी घूम के आता हूं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं पेन चेंज कर लूं इधर। अब देखो क्या होता है, सुनो, आरएनए पॉलीमरेज ऐसे जाएगा भाई, आरएनए पॉलीमर ये मान लो इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज है, ऐसे समझो इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। ये क्या करेगा देखो, अरे भाई तू मत जा, ये तो पूरा पूरा हिल रहा है, रुको जरा इसको बड़ा कर दो, ठीक है। अरे भाई रुको जरा एक सेकंड के लिए समझ लो, मैंने दो मिनट के लिए हटा दिया उसको, ठीक है हो नहीं पाता। आरएनए पॉलीमरेज ऐसे बढ़ना शुरू करेगा, ऐसे बढ़ना शुरू करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ऐसे बढ़ता जाएगा। अब देखो जब आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, नदी जिस भाव में बह रही है, नदी ऐसे जा रही है ना, तो जिस भाव में नदी जा रही होती है उसी भाव में अगर आप चलेंगे तो मेहनत तो आपको नहीं लगेगी, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब हमने बंदे को ले आते हैं, जो हमारा बंदा था, ये रहा बंदा, इसको लेके आए भाई, तो छोटा छोटा हो, बहुत बड़ा घर हो गया था, ठीक है। अब देखो इस वाली डायरेक्शन में जो हम बोलेंगे, ये जो डायरेक्शन है इसको बोलेंगे हम क्या? डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। अरे आप सबने आपने 10th क्लास में क्वेश्चन किए ना, बोट वाले अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वही है, उतना ही था। नदी के बहाव में जा रहे हैं तो उसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और अपोजिट आ रहे तो उसे बोलेंगे अपस्ट्रीम। इधर आने मेहनत करनी पड़ती है ना। सर ये क्यों बताया? एक्चुअली मुझे एड्रेस बताना था। किसका एड्रेस बताना था? मुझे उन बॉक्स का एड्रेस बताना था। अब समझना क्या होता है, पहली बार जहां पर सुना, पहली बार जहां पर यही होगा ना भाई, हमारा एमआरएनए यही बनेगा ना, कहीं और बनेगा, यही बनेगा ना, इसी इसी पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। पहली बार जहां पर बनेगा, क्या बनेगा? फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड, सुनो, फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड न्यूक्लियो टाइड, पहले ट्रांसक्राइब न्यूक्लियोटाइड से, इसे मानो प्लस वन, क्या मानो? इसे मानो प्लस वन। सर प्लस वन क्यों? समझ लो बस, बहुत टेक्निकल नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अब कलर चेंज करते हैं, रुको जरा समझाने के लिए, ठीक है। इससे फिर ना उल्टा माइनस में चलना, देखो ये अगर प्लस है तो इससे पीछे तो फिर माइनस होंगे भाई, नंबर लाइन तो पता है ना आप सबको, प्लस से पीछे तो माइनस होंगे। अब देखो माइनस एट टू टेन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अगर आप आएंगे, ठीक है, कितना? माइनस एट टू टेन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर पीछे आएंगे तो ये एड्रेस है किसका? प्रिम्नो बॉक्स का, ठीक है, किसका? प्रिम्नो बॉक्स का। इतनी बात समझ आ गई? कितना है? माइनस एट टू टेन न्यूक्लियोटाइड कहां से? फ्रॉम फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड, फर्स्ट ट्रांसक्राइब न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात समझ आ गई? बस इसी का आप याद कर लो, ठीक है। और इसका कितना होता है? इसका होता है माइनस 35 हेक्सामेरिक सीक्वेंस। इसका कितना होता है? माइनस 35 हेक्सामेरिक सीक्वेंस। इतनी बात समझ लो, ठीक है। आप इसको मेन याद कर लो, इसको नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक है। बट हाँ, दो एंट्री पॉइंट होते हैं प्रोमोटर बॉक्स में, दोनों लिखवा दिए,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि दो होते हैं, उसका नाम याद कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, सीक्वेंस याद कर लेंगे और अच्छी बात है, नहीं भी याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, चलते हैं भाई पीछे। एड्रेस आपको पता लग चुका है, अब देखो क्या होता है कि ना फैक्टर होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, फैक्टर होते हैं। देखो क्या होता है, ऐसे समझो आपने एनसीईआरटी में ऐसा करके एक डायग्राम देखा होगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसमें कलर ऐसे भरा रहता है, ठीक है। अब देखो इसको उसने बोला क्या, आरएनए पॉलीमरेज बोला उसने, इसको उसने क्या बोला, आरएनए पॉलीमरेज बोला। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, मेरी बात सुना, आरएनए पॉलीमरेज मैंने अभी क्या बताया था, आरएनए पॉलीमरेज तो सारे काम करने, अकेला तो कर नहीं सकता ना, किसी की तो हेल्प चाहिए, ठीक है। बस अब बस कहानी सुन रहा हो गया, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को किसी की तो हेल्प चाहिए, वो जो किसी की हेल्प चाहिए ना, अब सुनना, एक बंदा आता है सिग्मा मैन, ठीक है, कौन आता है, सिग्मा फैक्टर, अरे भाई सिग्मा फैक्टर, कौन है, सिग्मा, सिग्मा फैक्टर, ये जो सिग्मा फैक्टर आता है ये बहुत सिग्मा आदमी है, मतलब ये चीज शुरू करवाएगा, ठीक है, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर शुरू, तो ये क्या करेगा, ये शुरू करवाएगा। अच्छा ये है क्या, पहली बात तो ये को फैक्टर है, क्या ये को फैक्टर, विच ऑल्टर द एक्टिविटी ऑफ आर एन ए पॉलीमरेज, क्या करता है, विच ऑल्टर द एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी को चेंज करता है, किसकी, आर एन ए पॉलीमरेज की, उसकी हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, स्टार्ट, स्टार्ट करवाएगा, क्या करवाएगा, स्टार्ट करवाएगा आर एन ए पॉलीमरेज को, स्टार्ट करके छोड़ देगा, क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। भाई देखो सुनो, एक टीचर का अहम रोल क्या होता है, टीचर का अहम रोल होता है कि वो तुमको एक पुश दे दे, उसके बाद जितना काम है तो तुम्हारा है ना, उसी तरह ये भी एक तरह का टीचर है, ये क्या करेगा, एस फॉर सिग्मा फैक्टर, एस फॉर स्टार्ट, और ये स्टार्ट करके छोड़ देगा, क्या करेगा, स्टार्ट करके छोड़ देगा, समझ में। देखो क्या होगा कि ये भैया जो है ये आकर के जुड़ जाएंगे, अब ये जुड़ गए, ठीक है, ये आकर के जुड़ गए, और देखो मैं इस बात को पीछे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पीछे जो है जगह कम है, ठीक है, ऐसा ये से जुड़ गए, और जब ये जुड़ गए तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये चलना शुरू कर देगा, और जैसे ही फिर, और जैसे ही ये चलना शुरू हुआ, ये भाई साहब निकल जाएंगे, ये भाई साहब क्या करेंगे, सुनो ध्यान को, ये जुड़ा हुआ था, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ने चलना शुरू किया, और फिर जैसे ही उसने चलना शुरू किया, ये भाई साहब निकल जाएंगे, ये भाई साहब निकल गए, और फिर ये अकेला अपनी राह पे निकल जाएगा काम करने के लिए, ये स्ट्रक्चर जीन से निकलता जाएगा, और इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, समझाया, रुको जरा, ऐसे था ना हमारे पास, ठीक है, ये थ्री था, नहीं रुको, ये अरे भाई ये फाइव प्राइम था, ये थ्री प्राइम था, ये थ्री प्राइम था, ये फाइव प्राइम था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मेरी बात, ये जो सिग्मा फैक्टर, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज, रुको जरा, ठीक है, ये टर्मिनेटर बॉक्स है, ये प्रमोटर रीजन है। अब ये भाई साहब सुनो मेरी बात, सुनो बात को ध्यान सुनना, ये वाले जो भाई साहब है ना, ये भाई साहब जो है ये आएंगे, ये यहां पे जुड़ेंगे, ठीक है, एंट्री पॉइंट कहां से मिलेगा, प्रिमनो बॉक्स है, ठीक है, और हेक्सागोनल सीक्वेंस वाला है, ठीक है, और यहां पे उस टाइम ये सिग्मा वाले भैया आते हैं, ठीक है, ये सिग्मा वाले भैया आते हैं, रुको जरा छोटा करते हैं थोड़ा सा, अरे तो बरोबर छोटा हो गया, सुनो ये वाले भैया ये जुड़ते हैं, ठीक है, और उसके, अरे यार रुको, बड़ा कर थोड़ा, देख रहा है, हाँ ये वाले भैया इनसे जुड़ते हैं, और फिर ना सिग्मा फैक्टर तब जुड़ा हुआ होता है, और उसके बाद सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, और स्ट्रक्चरल जीन के रास्ते पे ये अकेले निकल जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर एक और बंदे आते हैं, अब कौन आते हैं, इसके बाद हमारे पास आते हैं रो फैक्टर, कौन आते हैं, रो, आर एच ओ, रो फैक्टर, ये भी एक तरह का को फैक्टर है, आर फॉर रो, आर फॉर रुक, क्या नाम है इसका, रुक, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ये रुक है, ठीक है, आर फॉर रो, आर फॉर रुक, ये आएगा और ये आकर के फिर जुड़ेगा, और फिर आर एन ए पॉलीमरेज को कहेगा चल भैया हो गया तेरा काम बस, ठीक है, तो स्टार्ट भी किसी और ने किया, ठीक है, और
खत्म करने भी किसी और ने हेल्प करी, ठीक है, इतना समझ आ गई, रो फैक्टर कौन है, सिग्मा फैक्टर कौन है, और उसके बाद फिर एमआरएनए निकल जाएगा और काम बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सुनना बात को ध्यान से, ये जो हेलिकेज लाइक एक्टिविटी थी, अरे यार आप सुनो, चलो भाई तुम आप सुनो, अरे भाई ये जो हेलिकेज लाइक एक्टिविटी थी, हेलिकेज लाइक अरे भाई एक्टिविटी थी, ये जो हेलिकेज लाइक एक्टिविटी ये किसने करी, ये सिग्मा ने दिखाई, सिग्मा ने दिखाई ना, सिग्मा ने कैसे दिखाई, हेलिकेज क्या कर रहा था, डीएनए को सेपरेट कर रहा था ना, वही काम सिग्मा फैक्टर ने आकर के किया, भाई सिग्मा फैक्टर आकर के जुड़ा आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ने के लिए, तो ये दिखा दिया, ठीक है, इसने भी तो किया, इसने कैसे किया सर, इसने कैसे किया, इसने आकर के एमआरएनए जो बन रहा था उसको छुड़ाया तो सही, ठीक है, रो फैक्टर ने भी किया, ठीक है, कब किया, ऑन रिलीजिंग ऑफ एमआरएनए, इतनी बात समझ आ गई, रो फैक्टर कौन था, सिग्मा फैक्टर कौन था और स्ट्रक्चर जिन कौन था सब पता लग गया, एमआरएनए भैया बाहर निकल गया और हमारा ट्रांसक्रिप्शन डन हो गया, किसका, किसका डन हो गया, प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। तो आज जितना हमने पढ़ा, ठीक है, आप इसको अच्छे से लेक्चर देखेंगे, ठीक है, इसको देखने के बाद आप जाकर एनसीईआरटी पढ़ेंगे और आपका लेक्चर डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो समझ में आया दोबारा देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है, और थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़ के, ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, है ना, और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है, और कोई भी जो भी बच्चे कोई भी यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सीयूटी के लिए वो हमसे जुड़ सकते हैं, सारे कोर्सेज के लिए हम अवेलेबल हैं, और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और प्लीज कमेंट जरूर करना सो दैट हमको पता चले, मुझे पता चले कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या सुधारने की जरूरत है और आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है वो भी जरूर बताना, ठीक है, और कोई एप्रिसिएशन हो तो वो भी देना, ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।